अस्सलाम वालेकुम, कैसी मेरी सारी किचन क्वींस। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता और मुस्कुराता रखे। आज मैं आपको 3 चम्मच बेसन से प्लेट भरकर बहुत ही मज़े के क्रिस्पी करारे प्याज के यूनिक स्टाइल में पकोड़े बनाना सिखाऊंगी, जब सबको बेहद पसंद आएगी। इस रमज़ान में ये आपकी स्पेशल रेसिपी बनने वाली है, तो चलते हैं बिना बातें के इस रेसिपी को बनाने के लिए। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फटाफट से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए जी, प्याज के पकौड़े बनाने के लिए मैंने 3 अदद प्याज लिया, जिनको मैंने छील लिया। इनको मैंने अच्छी तरह धो लिया। धोकर इसको मैं छुरी के साथ बारीक स्लाइस में कट कर लूंगी। ये काम आप कटर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको छुरी से कटना सिखाऊंगी। सारे प्याजों को हम अच्छी तरह इसी तरह काट लेंगे बारीक बारीक स्लाइस में। यकीन माने ये रेसिपी 5 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। इस रमजान में आप फटाफट से किचन में जाएं, इसको 5 मिनट में बिना मेहनत के बना के रेडी कीजिएगा, सबको बेहद पसंद आएंगे। इतने ये लाइट होते हैं, ज़रा भी हैवी नहीं होते, और खाने में भी बहुत ही मज़े के लाजवाब क्रिस्पी करारे होते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी, सारे प्याज को मैंने कट कर लिया। अब एक इसके अंदर हम बहुत ही यूनिक चीज़ डालने वाले हैं, अंडा डालेंगे। इससे बहुत ही क्रिस्पी सा फ्लेवर आएगा। 1/2 टीस्पून ज़ीरा डालूंगी, 1/2 टीस्पून ही इसके अंदर हल्दी डालूंगी, 1/2 टीस्पून ही सुरख मिर्च डालूंगी, 1/2 टीस्पून नमक डालूंगी, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालूंगी, 1/4 टीस्पून हम अजवाइन डालेंगे, सूखा धनिया डालूंगी, 1/2 टीस्पून क्रश करके डालेंगे। अब मैं इसके अंदर 3 चम्मच भरकर बेसन डालेंगे, और हम इसके अंदर कुछ भी नहीं डालें। इसी से हमारे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी करारे बन के रेडी होंगे। हाथ के साथ हम अच्छी तरह सारी चीज़ों को हम हाथ के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखे बस हमें इसी तरह का चाहिए। अब चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। ये देखिए जी, फ्राई पैन में मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया। ज़्यादा ऑयल डालने की हमें ज़रूरत नहीं, बस हम थोड़ा सा ही ऑयल डालेंगे और थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्यारे से पकोड़े बना के इसके अंदर डालते जाएंगे। नीचे मीडियम लो फ्लेम ही रखेंगे, हाई फ्लेम पे पकोड़ों को फ्राई नहीं करेंगे। ये देखिए, सारे पकोड़े हमने डाल लिए हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे से। अब हम इनको 2 से 3 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। दो से तीन मिनट एक साइड से हमने मीडियम लो फ्लेम पे इनको फ्राई कर लिया। अब हम इनकी साइडें चेंज करेंगे। देखिए कितना यूनिक सा, बहुत ही लाजवाब प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया। सारे पकौड़ों की हम इसी तरह साइड चेंज कर लेंगे। इसी जगह पे आपको एक बात याद करवाती जब, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं आपको इस तरह की बहुत ही यूनिक, बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारी मज़े की रेसिपीज बनाना सिखाया करूँ। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत से आपके लिए ये बहुत ही यूनिक स्टाइल में रेसिपीज बनाती हूँ, इसलिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। ये देखिए जी, उल्टा पलटा करके हमने टोटल 3 से 4 मिनट अपने पकौड़ों को मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई कर लिया। देखिए चारों साइडों से कितना प्यारा सा कलर आ गया, बस हमें इसी तरह का चाहिए, इससे ज़्यादा हम इसको कलर नहीं देंगे। इस रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह एक दफ़ा जब बनाएंगे तो पूरा महीना आप यही पकोड़े अपनी अफ्तारी में रखेंगे, इंशाल्लाह सबको बेहद पसंद आएंगे। देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी ये बन के रेडी हुए हैं, बहुत ही लाजवाब से, बहुत ही इनका टेस्ट अच्छा आएगा इंशाल्लाह।
मेरे कहने पर एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, जिसके साथ भी सर्व करेंगे, बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़े के लगेंगे। देखिए माशाल्लाह, ये मैं इमली की चटनी जो मीठी वाली है उसके साथ सर्व कर रही हूँ, जो मैंने आपको बनाना सिखाया है। अगर आपने नहीं देखे तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वो भी आप देखिएगा। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज बहुत पसंद आ रही हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं, प्लीज़ 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 फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों में, फैमिलीज में ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।